हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मोकिंग एंड द नॉन स्मोकिंग रूम्स स्मोकिंग रूम्स और नॉन स्मोकिंग रूम्स कौन से होते हैं क्या डिफरेंस होता है आज की इस वीडियो में हम लोग टोटली बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में तो आप में से काफ़ी सारे लोग होटल्स में विजिट कर रहे तो आप लोगों को ये मालूम हो सकता है कि किस कौन से स्मोकिंग रूम्स होते हैं और कौन से नॉन स्मोकिंग रूम्स होते हैं लेकिन अगर आप लोग होटल्स में विजिट कर रहे हो और आप लोगों को ये नहीं पता है कि कौन से स्मोकिंग रूम्स और नॉन स्मोकिंग रूम्स होते हैं तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आप लोगों को पूरी की पूरी इन्फॉमेसन मिल जाए और जो लोग अभी तक होटल में विजिट नहीं करें या फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है उन लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें ज़रूर से ज़रूर देखें और ये क्वेश्चन काफ़ी जगहों पर पूछा भी जा सकता है जो लोग होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है ठीक है तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए काफी सारे लोग सब्सक्राइब कर देते हैं बट बेल आइकन नहीं प्रेस करते जिससे क्या होता है कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो उन तक नोटिफिकेशन पहुंचती है और ना वीडियो उससे क्या होता है कि अगर मैं कोई एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ जो कि बहुत उनके लिए यूजफुल हो सकती है वो उन लोग उसको मिस कर देते हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना और बेल आइकन दबाने के बाद ऊपर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना जिससे कि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्मोकिंग रूम्स वो रूम्स होते हैं जो रूम्स जो लोग जो गेस्ट होटल में विज़िट करते हो और वो स्मोकिंग करते हैं तो उनके लिए उनको ए, स्मोकिंग रूम्स प्रोवाइड कराए जाते हैं आप जा कर के या तो वहाँ पर रिसेप्शन में बोल सकते हो कि मुझे ए, स्मोकिंग रूम चाहिए या फिर समटाइम्स वो आपसे पूछते हैं कि या आप सर आप ए, स्मोकिंग करते हैं या फिर आपको ए, स्मोकिंग रूम तो नहीं चाहिए कभी वो पूछ सकते हैं नहीं फिर अगर आप जाते हो और आपको स्मोकिंग रूम चाहिए होता है आप वहाँ पर जाके बोलोगे कि मुझे स्मोकिंग रूम चाहिए उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे जो होटल्स होते हैं वो लोग स्मोकिंग रूम्स जो होता है उसको एक ऐसा फ्लोर होता है मैक्सिमम होटल्स में एक ऐसा फ्लोर होता है जिसको वो स्मोकिंग रूम्स के लिए ही रखते हैं पूरा का पूरा फ्लोर स्मोकिंग होता है वो वहाँ पर जितने भी रूम्स होते हैं वो स्मोकिंग रूम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आप स्मोकिंग कर सकते हो लेकिन अगर आप नॉन स्मोकिंग रूम में जा रहे हो और वहाँ पर आप स्मोकिंग करोगे तो वहाँ पर अलार्म सेट होता है वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और आपको अलाउ नहीं होता है नॉन स्मोकिंग रूम्स में स्मोकिंग करना तो ये बात अपने माइंड में ज़रूर रखना कि अगर आप होटल में विज़िट कर रहे हो और नॉन स्मोकिंग रूप में आप जाकर के स्मोकिंग कर रहे हो तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है उसमें आप लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें परेशानियाँ उठानी पड़ सकती हैं और वहाँ पर जो स्टाफ है वो जहाँ पे जो मैनेजर है जो भी हैं वहाँ पर सारे लोग आपके ख़िलाफ़ बात करने के लिए आ जाएंगे आपको बोलने के लिए आ जाएंगे तो इस चीज़ का जो है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है अगर आप स्मोकिंग करते हो तो प्लीज़ आप स्मोकिंग रूम्स के लिए ही बोलो उनसे कि मुझे स्मोकिंग रूम चाहिए नॉन स्मोकिंग रूम्स वो रूम्स होते हैं जो कि ऐसे रूम्स होते हैं जहाँ पर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हो जहाँ पर आप सिगरेट नहीं पी सकते हो जहाँ पर आप कोई भी धुएं वाला काम नहीं कर सकते हो जिससे धुआं निकलता हो ठीक है क्योंकि वहाँ पर जो रूम्स होते हैं रूम्स में ऊपर अलार्म सेट होता है उसमें धुआं जाते ही वो अलार्म बजने लगता है उसमें से पानी भी गिरने लगता है और पूरे में अलार्म बजने लगता है तो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और जो लोग भी होते हैं वो सब लोग आपके रूम के पास रूम में आ जाएंगे और वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है तो इसलिए अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आप स्मोकिंग रूम्स में जाओ और नॉन स्मोकिंग रूम्स में तब जाओ जब आप स्मोकिंग आपको ना करनी हो तब आप नॉन स्मोकिंग रूम्स लो तो स्मोकिंग रूम्स और नॉन स्मोकिंग रूम्स के जो चार्जेस होते हैं वो भी सेम होते हैं कोई डिफरेंस नहीं होता है जितने में आपको स्मोकिंग रूम मिलेगा उतने में ही आपको नॉन स्मोकिंग रूम भी मिलेगा और अगर आप नॉन स्मोकिंग रूम लेते हो और आपको स्मोकिंग करना होता है तो वहाँ पर स्मोकिंग के लिए एक एरिया बना होता है छोटा सा जहाँ पर आप जा के स्मोकिंग कर सकते हो स्मोकिंग जोन अगर आप लोग होटल्स में गए होगे तो आपने देखा होगा स्मोकिंग जोन लिखा होता है वहाँ स्मोकिंग जोन में जा के आप स्मोकिंग कर सकते हो ठीक है तो ये हो गई बात स्मोकिंग की और नॉन स्मोकिंग की अब अगर आप होटल में जा रहे हो तो जो स्मोकिंग रूम्स होते हैं काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार स्मोकिंग रूम्स कितने होंगे थोड़े से होंगे मैं जाऊं और मुझे मिले ना मिले तो ऐसा कुछ नहीं होता है अगर आप स्मोकिंग रूम uh, चाहिए आपको तो वहाँ पर ऑलरेडी स्मोकिंग रूम्स उन लोग बचा कर रखते हैं क्योंकि स्मोकिंग रूम्स उन लोग इसलिए रखते हैं कि जो भी लोग स्मोकिंग के लिए आते हैं उन्हें स्मोकिंग रूम्स ही प्रोवाइड किया जाता है जो लोग स्मोकिंग जो भी गेस्ट स्मोकिंग करते हैं उनको वहाँ पर स्मोकिंग रूम्स प्रोवाइड किए जाते हैं इसलिए उन लोग हमेशा स्मोकिंग रूम्स बचा कर रखते हैं होटल में और जो नॉन गर स्मोकिंग रूम्स होते हैं कोशिश करते हैं उन लोग की ज्यादा से ज्यादा नॉन स्मोकिंग रूम्स वाले ही गेस्ट वो भेज पाएँ ठीक है तो इसकी इसके चार्जेस भी सेम होते हैं बस रूल इसका यही होता है कि स्मोकिंग रूम में आप स्मोकिंग कर सकते हो और नॉन स्मोकिंग रूम में तो आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हो अगर नॉन स्मोकिंग रूम में आप स्मोकिंग करोगे 35. तो आपके लिए डेंजरस होगा और स्मोकिंग रूम्स जो होते हैं वो बनते ही स्मोकिंग के लिए काफ़ी सारी जगहों पर में भी इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग रूम्स कौन से होते हैं और जब आप अपने कॉलेज में होंगे तो भी आपको बताना पड़ सकता है जब आप जॉब के लिए जा रहे हो तो भी आपको बताना पड़ सकता है कि स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग रूम्स कौन से होते हैं क्या डिफरेंस होता है तो अगर अब आप, आप कभी विजिट कर रहे होटल हो में तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना मालूम हो गया होगा कि स्मोकिंग रूम्स अलग होते हैं नॉन स्मोकिंग रूम अलग होते हैं और जब आप विजिट कर रहे हो और आप स्मोकिंग करते हो तो आपको नॉन स्मोकिंग रूम्स की जगह स्मोकिंग रूम्स लेना है ठीक है स्मोकिंग रूम में आप जाओगे स्मोकिंग रूम के लिए आप बोलोगे अगर आप ऑनलाइन रिजर्वेशन भी कर रहे हो होटल में तो आप स्मोकिंग रूम के लिए करोगे अगर आपको स्मोकिंग करना है रूम के अंदर ही तो ठीक है तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अभी सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं जिससे कि मैं कभी कभी डीमोटिवेट हो जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ बट मुझे बहुत ज़्यादा इसका फ़ीडबैक नहीं मिल रहा है तो मैं कभी कभी डीमोटिवेट हो जाता हूँ लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियोस कंटिन्यू बनाऊँ लेकिन आप लोग उस पर सपोर्ट दिखाओ आप लोग लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग अभी नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब करो और आइकन ज़रूर प्रेस करो जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले मुझे आप लोगों के फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आई नीड फॉर पॉजिटिव फीडबैक्स और कमेंट्स करके मुझे बताओ वीडियोस में जो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस चाहिए जो टॉपिक है जो कंफ्यूजन है वो सारी चीज़ों को लेकर के आप लोग मुझे बताओ और मैं उस पर वीडियोस कंटिन्यू अब बनाता रहूँगा तो फ्रेंड्स आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो साबित हो सकती है ठीक है तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए शब्बा खैर बाय